आलू कचालू और लालची टमाटर। कन्हैया अपने खेतों में आलू कचालू और टमाटर उगाया करता था। आलू कचालू तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन टमाटर हमेशा उनकी दोस्ती से जलन करता था। दोनों आलू कचालू मस्ती करते, खूब बातें करते और धूप में खड़ा खड़ा टमाटर उनसे जलन करता रहता। एक दिन, और बताओ आलू, आज क्या हाल चाल है? ठीक हूँ भैया, तुम तो जानते हो यहाँ धूप में खड़े खड़े बड़ा परेशान हो रहा हूँ। सोचता हूँ कुछ ही दिनों में फसल कटेगी तो जरा कुछ खेल कूद हो जाए। ये तो तुमने ठीक कहा। दोनों खेल कूद का प्रोग्राम बनाते हैं और उधर टमाटर खड़ा खड़ा उनकी बातें सुनकर जलने फूकने लगता है और कहता है, क्या खेल कूद, इतनी धूप में क्या खेलोगे? हम जो मर्जी खेले, तुम्हें क्या मतलब, हम जो मन में आए वो करें, तुम तो हमसे जलते हो। नहीं नहीं, मैं जलता नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ, तुम दोनों मूर्ख हो। सारा दिन बातें कर करके अपना दिमाग भी खराब करते हो और मेरा भी। कटाई के बाद एक दिन आलू कचालू आपस में फिर से बात करते हैं और कहते हैं, ठीक है यार, बहुत दिनों से आराम हो गया, अब चलो जरा गांव का चक्कर लगा कर आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, लेकिन ऐसे नहीं, हम दोनों एक रेस लगाएंगे, जो प्रथम आएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम में क्या दोगे? इनाम, इनाम में कुल्फी है। तो ये बात है, चलो। दोनों दौड़ लगाने की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी टमाटर वहाँ आता है। तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों से दोस्ती की जाए, क्या तुम भी हमारे साथ ये शर्त जीतना चाहते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमने ही तो कहा था मिलकर दोस्ती करके रहना चाहिए, और अगर मैं आज जीत गया तो कुल्फी मेरी। तीनों के तीनों रेस लगाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण रास्ते में ही टमाटर खुलकर फट जाता है और आलू कचालू में से कचालू प्रथम आ जाता है। आज तो इस टमाटर का घबंड चूर चूर हो गया, हमने तो इसे बहुत समझाया मगर ये अपने लालच के कारण हमारे साथ आया। इसे जानते हो क्या चाहिए था? कुल्फी। हाँ ये तो तुमने ठीक पकड़ा, ये सिर्फ कुल्फी के कारण हमसे दोस्ती करना चाहता था, अब देखो इसकी हालत। चलो दोस्त कुल्फी खाएं। मयूर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर जंगल के पास रहा करता था। उसके दो अंडे हुए जिन्हें देख देख कर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो अपने अंडों से बातें कर रहा था कि अचानक तेज बारिश आ गई। मोर खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। कितना खूबसूरत मौसम हो गया है, देखो मेरे प्यारे अंडों, मौसम इतना सुहाना है। मोर जोर जोर से नाचने लगा, बारिश का आनंद लेने लगा। वो खुशी में इस तरह से झूम रहा था कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो घायल हो गया। आह, मेरा पैर, इतना बड़ा पत्थर ये यहाँ किसने रखा? मेरे पैर पर इतना बड़ा घाव, ओह भगवान, बहुत दर्द हो रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या करूं? मोर अभी तकलीफ से कराह ही रहा था कि अचानक सामने से हाथी ने उसे कराहते हुए सुना और उसके पास आया। तभी अचानक बारिश भी बंद हो गई। हाथी ने कहा, अरे मोर तुम्हें क्या हुआ, इस तरह से घायल हो, तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है, आओ मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। हाँ ठीक है चलो। लेकिन जैसे ही मोर ने खड़े होने की कोशिश की वो फिर से धड़ाम से गिर गया। ओहो नहीं नहीं हाथी भाई, उठना बहुत मुश्किल है, मुझे तो अपने अंडों की फिक्र हो रही है, नाचते नाचते मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मेरे दोनों अंडे अकेले होंगे, तूफान का मौसम है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूर मोर तुम चिंता मत करो, कोई उपाय जरूर निकालते हैं। हाथी बहुत सोचता है और
बहुत सोचने के बाद अपनी सूंड से मयूर मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक ले आता है। दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। शुक्रिया शुक्रिया हाथी भाई, आज इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे बहुत काम आए हो। मेरे अंडे अकेले रह जाते और इसी बात का मौका उठाकर जरूर कोई जंगली जानवर मेरे अंडों को खा जाता। अब तुम यहीं ठहरो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाता हूँ, उसे लगाने से सुबह तक तुम्हारा पैर एकदम सही हो जाएगा। आगे आगे तुम्हें अपने अंडों का ख्याल रखना है, जब बच्चे आएंगे तो उनकी भी तो खातिर करनी है ना, और मैं हूँ ना उनका मामा, उनको सुरक्षा देने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाथी जल्दी से जाकर जड़ी बूटी लाता है और मोर के पैर पर लगा देता है। मोर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने अंडों को बड़े प्यार दुलार से अपनी बाहों में लेकर वहीं सो जाता है। हमें मुसीबत में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। भोली भैंस का दूध। सूरजपुर गांव में किशोर नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। किशोर के पास उसके पिताजी की दी हुई एक भैंस थी। वो भैंस बहुत ही भोली थी। किशोर उसे बहुत प्यार करता था। वो भैंस भी किशोर को बहुत चाहती थी। किशोर एक अच्छा मिस्त्री भी था। वो बहुत अच्छे मकान बनाया करता था। किशोर जब भी घर से बाहर काम पे जाता तो भोली भैंस उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती। किशोर काम करता रहता और भैंस वहां पे चारा चरती रहती। अरे किशोर, ले आ गई तेरी भैंस। मैं कहता ना था, तेरी भैंस तेरे बिना रह नहीं पाएगी। हाँ यार महेश, तुम ठीक कहते हो, इस भैंस के साथ लगाव ही इतना है। वो तो ठीक है किशोर, लेकिन क्या तेरे बाद तेरे बच्चे इसकी सेवा करेंगे? भाई महेश, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन किशोर और महेश ये नहीं जानते थे कि उनका ये मजाक एक दिन सच होने वाला है। एक दिन काम करते करते एक दुर्घटना में किशोर की मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसकी भैंस को पहुंचता है। वो खाना पीना छोड़ देती है। इस बात से किशोर के परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहां किशोर के चाचा आते हैं और वो किशोर के बेटे से कहते हैं, बेटा घबराओ मत, तुम भी अपने पिताजी की तरह इसकी खूब सेवा करो, फिर देखना ये भैंस चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। और वैसे ये भैंस नहीं, ये तो भोली है, भोली। किशोर के बेटे सुरेश ने उनकी बात मान ली और वो भोली की सेवा करने लगा। चंद दिनों में भोली बिल्कुल पहले जैसी हो गई और वो किशोर की ही तरह सुरेश से भी प्यार करने लगी। जहाँ जहाँ सुरेश जाता वहाँ वहाँ उसके पीछे आ जाती। एक दिन सुरेश को शहर से नौकरी का बहुत अच्छा ऑफर आया और सुरेश नौकरी करने शहर चला गया। सुरेश के जाने के बाद उसकी भैंस उदास रहने लगी। तब सुरेश की माँ ने सुरेश को फोन करके कहा, क्या कह रही हो माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही वापस आता हूँ। सुरेश अपने घर वापस आ जाता है और सुरेश को देखते ही भोली फिर से खुश हो जाती है और खूब सारा दूध दही देने लगती है। भोली का दूध देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है और वो अपना दूध का कारोबार शुरू कर देता है। और भोली के आशीर्वाद से वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है। अपना काम बढ़ने पर सुरेश भोली से कहता है, भोली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुमने मुझे घर में रहकर तुम्हारी सेवा करने का मौका दिया और घर में ही रहकर अपने कमाई का जरिया बताया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और भोली सिर हिलाकर सुरेश की हाँ में हाँ करती है। मिट्टी का शेर। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी प्रजा से कहता है, साथियों बहुत दिन हुए मैं जंगल से कहीं बाहर नहीं गया हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि इन दिनों मैं कुछ यात्रा करने के लिए बाहर निकलूं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक हफ्ते के लिए भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर खरगोश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जा सकते हैं राजा जी, हम जंगल का ख्याल रखेंगे,
आपको भी सैर सपाटे का पूरा अनुभव होना चाहिए। तभी हाथी कहता है, क्यों नहीं, मैंने भी कई गांव और शहर घूमे हैं। आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा महाराज। सबकी रजामंदी के बाद राजा शेर भ्रमण के लिए निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी तुम बहुत चालाक और समझदार हो, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई दूसरा शेर आकर राजा न बन जाए। सोच कर बताती हूँ। लोमड़ी बहुत सोचती है और कहती है, महाराज हमारे यहाँ पर वो जो बंदर है ना, वो बहुत अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाता है। मैं उसे कहती हूँ कि वो जाकर एक बड़ा सा शेर का मूर्ति बनाए और उसमें अच्छे से रंग भर दे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके शरीर पर है। अगर कोई शेर इस जंगल में आएगा तो मूर्ति देखकर हो सकता है यही समझ ले कि आप अभी यहीं पर हैं। ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया तुमने, लेकिन क्या मिट्टी का शेर बनाना इतना सरल है? अरे महाराज आप बंदर को जानते तो हैं, वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी, तुम बाकियों जैसी नहीं हो, समझदार हो और अपने जंगल का ख्याल रखना जानती हो। तो ठीक है, बंदर से कहकर एक अच्छी सी मूर्ति बनवाओ, अब मैं भ्रमण के लिए उसके बाद ही जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। राजा अपनी इच्छा बंदर को बताता है। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा मेरे लिए भी, मैं आज से ही काम में लग जाता हूँ। बंदर बड़े मन से एक बड़ी सी मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसमें तरह तरह के रंग भरकर एकदम ऐसा शेर बना डालता है जैसे स्वयं राजा शेर थे। जब राजा मूर्ति के पास आता है तो कहता है, अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया बंदर, ये तो हूबहू मेरी तरह दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। अब मैं बड़े निश्चिंत होकर भ्रमण के लिए जा सकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद राजा शेर भ्रमण के लिए निकल जाता है।